जिए तो सदा उसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष। जिए तो सदा उसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष। निछावर कर दें हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष, हमारा प्यारा भारतवर्ष। प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर चारुशीला सिंह हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, अभी आपने मेरे मुख से ओज की कुछ पंक्तियाँ सुनी, जो मातृभूमि पर सर्वस्व अर्पित करने वाले भावों को खुद में समेटे थीं, सहेजे थीं। निसंदेह आपने अनुमान लगा लिया होगा कि आज अध्ययन का जो हमारा और आपका क्रम है, जो भाव भूमि है, वो यही है। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं बच्चों। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने और आपने अशोक वाजपेयी जी की बहुचर्चित कविता पढ़ी। शीर्षक था, भाषा एकमात्र अनंत है। हमने और आपने अध्ययन के क्रम में जाना था कि एक दिन हम नहीं होंगे, आप नहीं होंगे, हमारे क्रियाकलाप नहीं होंगे, लेकिन फिर भी जो अक्षर है, जो भाषा है, उसकी जो सत्ता है वो बनी रहेगी। समय बीतने के साथ वो और परिष्कृत होती जाएगी और निखरती जाएगी, लेकिन वो कभी नष्ट नहीं होगी। इसीलिए भाषा एकमात्र अनंत शीर्षक था। और हमने बहुत कुछ जाना था कि हम नहीं रहेंगे, फिर भी भाषा रहेगी। आइए आज इस बात को प्रमाणित करते हैं। आज हम काव्य खंड के अंतर्गत जिस पाठ को पढ़ने वाले हैं, वो श्याम नारायण पांडे जी की बहुचर्चित कविता हल्दी घाटी है। ये जो अंश हम और आप आज पढ़ेंगे, तो पिछली कक्षा से इसको जब हम जोड़ते हैं, तो हम पाते हैं बच्चों कि हमने और आपने हल्दी घाटी का युद्ध तो नहीं देखा है, लेकिन क्योंकि शब्द जो है, जो अक्षर है, वो अनंत है, वो नष्ट नहीं होता, वो मरता नहीं। तो श्याम नारायण पांडे जी ने जब इसको शब्दों में पिरो दिया है, तो इस युद्ध को एक शब्द चित्र के माध्यम से हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे, महसूस करेंगे, और हमारी आने वाली बहुत सारी पीढ़ियां भी। तो इस तरह हमने पिछले पाठ को इस पाठ से बहुत अच्छी तरह से जोड़ लिया है। आज उसको परख भी लेंगे और जानेंगे कि क्या है इस पाठ में विशेष। आज अति महत्वपूर्ण पाठ है और काव्य खंड के अंतर्गत ये आपका आखिरी पाठ है बच्चों। चलिए सीधे सीधे आपको पाठ परिचय की ओर ले चलते हैं, क्योंकि मुझे भी बहुत उत्सुकता है। ये ऐतिहासिक युद्ध था, ये ऐसा युद्ध है जिसकी चर्चा मात्र से रोम रोम, क्योंकि जो इसके नायक हैं उन्हें मैं क्या कहूं, वो मेवाड़ केसरी तो हैं ही, वो हिंदुजा सूर्य हैं, वो मुगलों के काल हैं, वो ऐसी संतान है मां की जिन्होंने घास की रोटियां खाई लेकिन कभी विपक्षियों से हाथ नहीं मिलाया, अपनी मां की अस्मिता का सौदा नहीं होने दिया। ऐसे वो इस माटी के लाल हैं, ऐसे इस मातृभूमि के, इस भारत माता की वो ऐसी विशिष्ट संतान है। आज उनके यश और कीर्ति को हम आप जानेंगे युद्ध भूमि हल्दी घाटी के क्षेत्र में। एक शब्द चित्र के माध्यम से हम और आप आज पहुंच रहे हैं। आइए बच्चों, पाठ परिचय की ओर चलते हैं और जानते हैं कि क्या है इसमें विशेष। पाठ परिचय, ध्यान दे बच्चों, जो पाठ का नाम है वो है हल्दी घाटी भाग एक। भाग एक इसलिए लिखा गया है कि ये पाठ थोड़ा बड़ा है। आज इस कक्षा में हम कुछ अंश पढ़ेंगे, भाग एक आज हम पढ़ेंगे, और जो शेष अंश होंगे वो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। रचयिता श्याम नारायण पांडे। बच्चों, मैंने पहले भी आपको बताया था, बार बार कहती हूं ताकि स्मृति पटल पे आपकी बातें अंकित हो जाएं, छप जाएं, कभी न मिटे, कि जो काव्य होता है वो लिखा नहीं जाता, उसकी सर्जना की जाती है। इसलिए सर्जक या रचयिता शब्द का प्रयोग किया जाता है। श्याम नारायण पांडे जी जो हैं, वो एक ओज के बहुत ही ओजस्वी, ओज तो इनका पहचान है ही, लेकिन मंचों के बहुत सफल कवि भी रहे हैं। भाषा खड़ी बोली है, हमारी आपकी हर दिन के व्यवहार की भाषा, हम परिचित हैं, इसलिए इसमें एक अपनापन तो पहले ही भाषा के माध्यम से हो गया है। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर भाषाई एकता जो हमारी खंडित होती है, अगर हम विषय कितना ही अच्छा हो, लेकिन भाषा अगर हमारे आपके पहचान की ना हो, तो हमारे लिए अति दुरूह बन जाता है, और हमारी आपकी रुचि में भी वो ढल नहीं पाता है। हम उसमें घुसकर उसके अंदर तक, उसके मर्म तक हम जा नहीं पाते हैं। लेकिन अगर भाषा एक होती है, अगर जिस भी विषय को पढ़ रहे हैं उसकी भाषा हमसे मिलती है, तो एक निजीपन, एक अपनापन, एक आत्मीयता तो सबसे पहले तुरंत भाषा से जुड़कर ही प्राप्त हो जाती है। और जब भाषा अपनी है तो विषय तो अपना ही अपना है। आगे देखें, रस जो है वो वीर है।
गुण ओज छंद मुक्त तुकांत। बच्चों रस का विशेष ध्यान हो, देखिए आप जानते हैं कि पाठ में भी ध्यान देना होता है और रसों का एक विशेष प्रभाव पड़ता है। जब सर्जना की जाती है, यही कवि का लालित्य है, यही उसका कौशल है कि वो उन पंक्तियों में रसों के माध्यम से जो भी रस होगा वही भाव इस रूप में हमारे और आपके सामने आता है कि हम उसको पढ़ते हैं, उसको गुनगुनाते हैं तो वो हमारे मस्तिष्क से होता हुआ हमारे हृदय तक पहुंचता है और जिन भावों की पंक्तियां होती हैं वो भाव हमारे और आपके चेहरे पर, हमारे मुखमंडल पर प्रतिबिंबित होने लगते हैं। जब बात वीर की होती है, जब बात ओज की होती है तो वो पंक्तियों से होता हुआ हमारे नसों तक पहुँचता है और उसकी फड़फड़ाहट, उसकी चेतना, उसका जो मर्म है, उसकी वेदना, उसकी पीड़ा या उसका उत्साह, वो जिस रूप में आपके समक्ष आ रहा है आप निसंदेह आज इन पाठ में महसूस करेंगे जब हम और आप काव्य की तरफ चलेंगे, जब हम पंक्तियों में उतरेंगे। लेकिन उससे पूर्व हम चलते हैं एक आवश्यक पड़ाव। हमने इतना जाना, आपने अभी सुना कि श्याम नारायण पांडे जी कवि भी थे, मंचीय कवि भी थे और इनकी जो ओजस्वी बाणी थी उसे बहुत सराहा गया। कहते हैं कि चौथे पंत तक भी इनकी बाणी में वही ओज, वही तेज, वही प्रखरता थी। तो आइए बच्चों चलते हैं कवि परिचय की ओर और जानते हैं कि क्या था कवि के जीवन में विशेष, क्या रचनाएं साहित्य की इन्होंने कैसी सेवा की, क्या क्या इन्होंने दे दिया है, क्योंकि हल्दी घाटी तो एक अद्भुत अविस्मरणीय रचना है जो युगों तक जाने कब तक, समय की जिसने सीमाएं बांध नहीं सकती, तब तक पढ़ा सुना समझा और जाना जाएगा। आइए बच्चों कवि परिचय की ओर चलते हैं। कवि परिचय, एक संक्षिप्त परिचय कवि का, इसके आधार पर और पठित पाठ के आधार पर आप स्वयं इसको पढ़ेंगे और लिखेंगे आगे। चलिए पहले ये परिचय जानते हैं। जन्म सन 1907 ईस्वी। जन्म स्थान बच्चों ध्यान दें, डुमराव आजमगढ़, ये आजमगढ़ में है डुमराव, वहां आपका जन्म हुआ, उत्तर प्रदेश में ही है। शिक्षा साहित्य शास्त्री। भाषा पहले भी मैंने आपको बताया खड़ी बोली, इन्होंने खड़ी बोली के लिए बहुत सारे काम भी किए, उसका रूप परिष्कृत हो, वो दोषों से मुक्त हो, इसके लिए भी आपने बहुत ज्यादा प्रयास किया है। प्रमुख रचनाएं बच्चों ध्यान दें क्या है इनकी विशिष्ट रचनाएं, हल्दी घाटी जो जिसका एक अंश हम और आप आज पढ़ेंगे, जौहर, तुमुल रूपांतर, आरती, माधव, परशुराम। निधन देखिए कब आप इस संसार से विदा हो गए, आपने साहित्य की एक लंबे समय तक सेवा की, आप साहित्य की सर्जना करते रहे, उसको लिखते पढ़ते जीते रहे, गुनगुनाते भी रहे, मंचों से भी आप, लेखन के द्वारा तो आपने समाज में एक चेतना लाई ही, लेकिन आपने मंचों पर जाकर वहां से भी सामाजिक जागरण का कार्य किया था। और ये सब करते हुए फिर आपका निधन, आपकी मृत्यु कब हुई, सन 1991 ईस्वी में। ये एक कवि का संक्षिप्त परिचय। आइए बच्चों अब उस योगदान की तरफ चलते हैं जिसने कवि को राष्ट्र कवि कहला दिया। राष्ट्र कवि वस्तुतः तो एक छोटा सा शब्द हमें और आपको लग रहा है बच्चों, लेकिन ये यूं ही नहीं मिलता, पूरे जीवन की ये पूंजी है। राष्ट्र कवि कहने का मतलब होता है कि राष्ट्र के जो मूल तत्व हैं, जो उसकी चेतना है, जो उसकी विशिष्टता है, जो उसका सम्मान है, जो उसकी आत्मा है, उसके अपने काव्य में पिरो देने वाला व्यक्ति जो होता है, जो साहित्यकार होता है, वो राष्ट्र कवि की संज्ञा पाता है। तो ऐसी संज्ञा अगर कवि ने पाई है तो कवि ने क्या लिखा है साहित्य में स्थान के अंतर्गत। आइए कवि के जीवन को एक महत्वपूर्ण जो पड़ाव है, जो जीवन की उपलब्धि है, आप जानते हैं बच्चों कि व्यक्ति जन्म से नहीं कर्म से महान होता है, तो ये वही कर्म का पक्ष है जिसके आधार पर उपाधियां मिली, जिसके आधार पर युगों तक गुनगुनाए जाएंगे, गाए जाएंगे। आइए देखते हैं क्या है साहित्य में स्थान। ध्यान दें बच्चों, श्याम नारायण पांडे वीर रस के अद्भुत कवियों में एक थे, वे काशी के प्रसिद्ध साहित्याचार्य थे। बच्चों देखिए शिक्षा भी आपकी विशिष्ट रही, आप साहित्याचार्य थे, इसीलिए भाषा के परिष्कार पर आपने बहुत ज्यादा काम किया, क्योंकि देखिए बच्चों जब हम विषय की विशिष्टता की तरफ, विशेष योगदान की तरफ और उसकी उच्च शिक्षा और जो एक ये होता है साहित्याचार्य या शास्त्री करते हैं, तो भाषा के परिष्कार का जब वो विषय ही आपका था, आपने संस्कृत पढ़ा, हिंदी पढ़ा, ये सारी विषय, तो आपने उस दिशा में बहुत ज्यादा काम किया और आपकी विशेष योग्यता में आता है। ध्यान दें आगे, उन्होंने चार महाकाव्य रचे, आपने चार महाकाव्य लिखे जिसमें दो अति चर्चित, अति विशिष्ट हैं, जिनमें से एक तो आज हम आप
एक अंश एक का पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए क्या चर्चा में रहे, जिनमें हल्दी घाटी और जौहर विशेष चर्चित रहे। हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप के जीवन और जौहर में रानी पद्मिनी के आख्यान है। हल्दी घाटी पर श्याम नारायण पांडे को देव पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। अपनी ओजस्वी वाणी के कारण श्याम नारायण पांडे कवि सम्मेलनों में बड़े लोकप्रिय थे। आपने लिखकर भी चेतना जगाई, आपने मंचों से भी चेतना जगाई, हम और आप कभी भूल नहीं पाएंगे। चाहे बात जौहर की हो, हल्दी घाटी की हो या अन्य रचनाओं की हो, जब जब इन रचनाओं की चर्चा कहीं होगी, इस स्मृति पटल पर स्वतः श्याम नारायण पांडे जी अंकित हो जाएंगे। आइए अब हम चलते हैं मुख्य पाठ की ओर और जानते हैं क्या है पाठ का मूल भाव। पाठ का मूल भाव बच्चों अर्थात केंद्रीय भाव, किस एक भाव भूमि पर इसका सृजन हुआ है वो कहलाता है मूल भाव। तो क्या है इसमें विशेष, ध्यान दें, हल्दी घाटी के युद्ध भूमि में महाराणा प्रताप द्वारा दिखाए गए रण कौशल का दृष्टांत वर्णन है, आंखों देखा वर्णन जिसको कहते हैं। और आप अभी पाएंगे पंक्तियों में कि इतना अद्भुत वर्णन है, इतना आह्लादकारी है, इतना चमत्कृत करने वाला है, अपने इतिहास को जानकर हम और आप इतने गर्वित होने वाले हैं कि उन पंक्तियों से वो गर्व और हर्ष छलकता हुआ, निकलता हुआ, हमें बेधता हुआ, हमारे तन मन में चेतना भरता हुआ, हमारे अंतर मन को तरंगायित करेगा, हमें और आपको गर्व और हर्ष के वो क्षण प्रदान करेगा जो आज इस पाठ के माध्यम से हम और आप जानेंगे, जिसे पंक्तियों में लिखकर अजर अमर कर दिया है श्याम नारायण पांडे जी ने। आइए बच्चों अब चलते हैं उस विशिष्ट योगदान की तरफ, उन पंक्तियों की तरफ जो हल्दी घाटी के नाम से, बच्चों आप जानते हैं, संक्षिप्त एक चर्चा जान ले, हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था, लेकिन जिस समय का ये प्रसंग है, युद्ध भूमि में महाराणा प्रताप हैं और इनका जो विपक्षी है, जो शत्रु सेना है, उसमें अकबर के सेनापति मान सिंह सेना का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आप दोनों लोग आमने सामने हैं, उस वक्त कौन सा कौशल, कैसा कैसी दक्षता आपने दिखाई युद्ध भूमि में, उसी का ये प्रसंग है जो हम और आप आज पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों काम आता है, जो सबसे पहला हमारा और आपका काम है वो है इन पंक्तियों के पाठ का। बार बार नहीं दोहराऊंगी, आपको बता चुकी हूं कि पाठ के दो तरीके होते हैं, एक सामान्य पाठ होता है और एक छंद विधान पर आधारित। और आपने पढ़ा था कि काव्य जो होता है उसकी सर्जना ही एक विशेष छंद पर की जाती है, एक लय गति ताल का निर्वाह किया जाता है और जिस रस को उसमें पिरोया जाता है वैसे ही भाव हमारे हृदय से होते हुए हमारे और आपके मुखमंडल तक प्रतिबिंबित होते हैं। आइए बच्चों सबसे पहले इनका छंद विधान के आधार पर पाठ करते हैं, फिर पाठ के बाद हम और आप चलेंगे इसकी विस्तृत व्याख्या की तरफ, इन पंक्तियों के मर्म की तरफ कि इनमें क्या पिरोया गया है, क्या बातें कही गई हैं। आइए ध्यान दें, सबसे पहला काम तो हम कर रहे हैं पाठ का, ध्यान से सुने बच्चों। वैसे तो अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से मैंने इसे खंडों में विभाजित किया है और उस तरह से पढ़ूंगी, लेकिन आप घर पर एक बार किताब निकालिएगा और पूरी कविता को पहली पंक्ति से आखिरी तक जितनी आपकी पाठ्य पुस्तक में है उसको एक बार में पढ़ डालिएगा, एक अद्भुत आह्लाद आप महसूस करेंगे, एक चैतन्यता, एक नसों में फड़कता हुआ सा ओज जिसका नाम है, वो वीर रस की जो ओज है, जो उत्साह वो आप में अपने आप महसूस करेंगे। लेकिन यहाँ उस सुविधा की दृष्टि से थोड़े थोड़े टुकड़ों में है इसलिए खंड बटेंगे, पर आप एक बार अवश्य पढ़ें, आपको बहुत आनंद आएगा। चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रण का न तमाशा था, वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था, चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था, चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था, ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था, ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। अद्भुत भाव है बच्चों, और अगर इन्हें पूरा मैं एक स्वर में पढ़ पाती तो अवश्य पढ़ती, कुछ अलग ही भाव भूमि सृजित हो जाती, लेकिन अध्ययन की सुविधा को देखते हुए मुझे टुकड़ों में पढ़ना है, पर आप अवश्य पढ़ें,
चलिए अब इन पंक्तियों के अर्थों में चलते हैं कि क्या है विशेष, कवि क्या कहते हैं। श्याम नारायण पांडे जी कहते हैं, अब आप देखिए कि इतना सौंदर्य भर दिया गया है इन पंक्तियों में, ऐसा वर्णन किया गया है कि ऐसा आपको महसूस होगा कि हम और आप इस युद्ध को देख रहे हैं इस शब्द चित्र के माध्यम से। देखिए कवि क्या कहते हैं, मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रण का न तमाशा था। केसरी मतलब सिंह, मेवाड़ केसरी ये कहा गया राणा प्रताप के लिए। तो कवि कहते हैं कि जो मेवाड़ केसरी है वो सिर्फ युद्ध का तमाशा देखने नहीं आया है, सिर्फ वो दूर से युद्ध नहीं देख रहा है, क्या कर रहा है, वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था। कि वह स्वयं दौड़ दौड़ कर युद्ध कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि वह मान सिंह के रक्त का प्यासा है। ये मान सिंह कौन है, मैंने आपको पहले भी बताया, पुनः बता रही हूं कि जो शत्रु सेना है, जो अकबर की सेना है, उसके जो सेनापति हैं, यानी उधर से जो प्रतिनिधित्व कर रहा है वो है मान सिंह, और आमने सामने राणा प्रताप और मान सिंह। तो कवि कहते हैं कि मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रण का न तमाशा था, कि मेवाड़ केसरी सिर्फ युद्ध भूमि का तमाशा नहीं देख रहे हैं, बल्कि वह स्वयं दौड़ दौड़ कर रण कर रहे हैं। दौड़ दौड़ कर कहना मतलब अद्भुत कौशल, पल भर में यहां यहां वहां वहां वहां, मतलब जहां आवश्यकता है शत्रु जहां से भी बढ़ता हुआ दिख रहा है वहां दौड़कर उसके प्रहार को रोक देना, उसको टोक देना, उसको वहीं घायल कर देना, वहीं रक्त रंजित कर देना, ये व्यंजना करता है। दौड़ दौड़ में बहुत बड़ी बात छुपी हुई बच्चों, कि अपने ऊपर इतना विश्वास भी होना चाहिए, वो तेज, वो ऊर्जा, वो स्वाभिमान, वो जोश, वो अपनी माँ के प्रति स्नेह की व्यंजना कर रहा है कि क्या कर रहे हैं, कि मेवाड़ केसरी दौड़ दौड़ कर रण कर रहे हैं, सिर्फ वो तमाशा नहीं देख रहे हैं, वह मान रक्त का प्यासा था, और ऐसा लग रहा था कि वह मान सिंह के रक्त के प्यासे हों और उसे ढूंढ रहे हों। चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था, कि युद्ध भूमि भी कर रहे हैं लेकिन जो उनका दायित्व है उस कर्तव्य बोध, उस दायित्व बोध से भी वो विमुख नहीं है, वो युद्ध भी दौड़ दौड़ कर कर रहे हैं और घूम घूम कर अपनी सेना की रखवाली भी कर रहे हैं, वो उसके रक्षक भी हैं, तो इस दायित्व बोध को भूले नहीं है, वो युद्ध तो कर ही रहे हैं पर वो दौड़ दौड़ कर घूम घूम कर, जिस तरह दौड़ दौड़ कर युद्ध किया, घूम घूम कर अपने सेना की रखवाली भी कर रहे हैं। और उस वक्त जो छवि है वो अद्भुत है, जो स्वरूप उनका दिख रहा है कि दौड़कर युद्ध करना और घूम घूम कर अपनी सेना की रखवाली भी करना, तो ऐसा लग रहा है ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। तो ऐसा एहसास हो रहा है कि वो स्वयं महामृत्यु हो। कौन कौन है बेटा बताइए? तो ऐसा कह रहे हैं कवि कि ऐसा लग रहा है कि वो स्वयं कालों के काल हैं, वो महाकाल हैं, कपाली यहां भगवान शिव महाकाल। तो कवि कहते हैं कि जैसा ये युद्ध कौशल दिखा रहे हैं, युद्ध भूमि में जो इनकी दक्षता है, जो इनकी स्फूर्ति है, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये स्वयं अपने साथ महामृत्यु को लेकर निकल पड़े हैं, और उस समय देखकर लग रहा है कि मानो प्रत्यक्ष कपाली साकार हो गए हों। तो ऐसा रण कौशल, ऐसा जो ऐश्वर्य था, अपनी भूमि के बारे में हम जो भी सुनते आए हैं कि ऐसा प्रताप ऐसा ऐश्वर्य, वो कहीं ना कहीं ये प्रताप हमको इस प्रताप में दिख रहा है। महाराणा प्रताप ने वो कौशल दिखाया कि युद्ध भूमि में ऐसा लगा कि वो स्वयं महामृत्यु के साथ वहां आ गए, उन्हें डर नहीं है, उन्हें जरा भी डर नहीं उनके चेहरे पर, वो सिर्फ सिर्फ क्या कर रहे हैं, दौड़ दौड़ कर युद्ध कर रहे हैं, मान सिंह को खोज रहे हैं और अपनी सेना की रखवाली भी कर रहे हैं, और रक्तपात इतना ज्यादा युद्ध में होता है कि ऐसा लग रहा है कि स्वयं वो महामृत्यु को लेकर वहां पहुंचे हैं, मानो प्रत्यक्ष कपाली था। उनको देखकर लग रहा था कि जैसे स्वयं कपाली हो, स्वयं शिव हो, स्वयं वो महामृत्यु के साथ वहां उपस्थित हो गए हैं और उन्हें कोई भी डर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनका ध्येय, उनका लक्ष्य जो है वहीं पर उनका ध्यान। आइए बच्चों अगली पंक्ति की तरफ चलते हैं कि क्या है, ध्यान दीजिए पहले पाठ फिर। चढ़ चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को, सेना नायक राणा के भी रण देख देख कर चाह भरे, मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दूने ते गुने उत्साह भरे। अद्भुत कि क्या कह दिया कि चढ़ चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को,
चेतक के बारे में आप सभी जानते हैं, क्योंकि जिस तरह हम राणा प्रताप के शौर्य और पराक्रम की बात सुनते हैं, हमने चेतक की भी बहुत चर्चाएं सुनी है। चेतक कौन? चेतक राणा प्रताप के घोड़े का नाम। तो कवि कहते हैं अगली पंक्तियों में, चढ़ चेतक पर तलवार उठा के, हाथों में तलवार लिए हुए और चेतक पर चढ़े हुए रखता था भूतल पानी को। ऐसा लग रहा है कि वो भूतल, एक देखे यहाँ दो अर्थ हैं, भूतल पृथ्वी तल भी है जिसके नीचे पानी है, और पानी मान सम्मान स्वाभिमान का प्रतीक होता है, और एक भूतल मतलब आपका और हमारा हृदय। तो कवि कहते हैं कि जब वो चेतक पर चढ़कर और तलवार लेकर निकलते हैं, इधर उधर घूमते हैं, ऐसा लग रहा है रखता था भूतल पानी को, क्यों अपने हृदय के अंदर वो स्वाभिमान, वो मान सम्मान अंदर अपने समाहित, अपने अंतर में, अपने हृदय में समाहित किए हुए हैं। राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। और राणा प्रताप इस तरह शीश काट रहे थे शत्रु सेना की कि ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अपने जवानी को सफल कर दिया हो। बच्चों, जवानी के वास्तविक अर्थ से आप परिचित हो चुके हैं, आपने माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता जवानी पिछली कक्षा में पढ़ा था, उसके वास्तविक अर्थ को आपने जाना था कि जवानी का अर्थ क्या होता है। शौर्य होता है, पराक्रम होता है, कर्तव्य बोध होता है, और असंभव को संभव में बदल देने वाली वो शक्ति जो स्वयं में समाहित करती है, वो वस्तुतः जवानी कहलाती है। तो कवि कहते हैं कि चेतक पर चढ़कर और तलवार हाथ में लेकर रखता था भूतल पानी को, मान सम्मान को अपने हृदय में रखता था, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। और राणा प्रताप जो है वो इस तरह शीश काट रहे थे कि उन्होंने अपने जवानी को सफल बना दिया। वो जो जवानी थी वो सफल हो गई, जो युद्ध भूमि में दिखी। सेना नायक राणा के भी रण देख देख कर चाह भरी। ऐसा अक्सर होता है बच्चों कि हम जो देख रहे होते हैं वैसी एक भाव भूमि हमारे अंदर सृजित होने लगती है। आह्लाद का विषय हो तो आह्लाद, और कष्ट हो, रोष हो, तो कुछ वैसा ही भाव। तो कवि यहां कहते हैं कि राणा प्रताप की जो वीरता थी वो उस कोटि की थी, वो पराक्रम, वो कौशल ऐसा था कि उनके कौशल को देखकर जो उनकी सेना के अन्य लोग थे वो भी उत्साह से भर जाते थे। नायक का, नेतृत्व करने वाले का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि एक जो नेता होता है, जो नेतृत्व करने वाला होता है, वो हमें सही दिशा देता है, और कहीं ना कहीं उसकी बातों में, उसके व्यवहार में वो छाप होती है जो बाकी लोगों से असंभव लगने वाले कार्य भी करा लेती है। यहाँ इसी क्षमता के बारे में कवि बताते हैं, वो कहते हैं सेना नायक राणा के भी रण देख देख कर चाह भरे, कि जो इनके साथ वाले हैं वो और उत्साह से भर जा रहे हैं। मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दूने तुगने उत्साह, और मेवाड़ के जो अन्य सिपाही थे वो दुगने तुगने उत्साह के साथ युद्ध भूमि में लड़े जा रहे थे, क्योंकि राणा प्रताप का शौर्य देखकर उनके अंदर उत्साह बहुत तेजी से बढ़ रहा था, और कई गुना उत्साह से बढ़ के वो युद्ध भूमि में लड़ रहे थे। अगली पंक्तियों की तरफ चलें बच्चों, देखें क्या है इसमें, ध्यान दीजिए क्या है ये पंक्तियां, मैं पाठ करती हूं फिर अर्थ। छण मार दिया कर कोड़े से, रण किया उतर कर घोड़े से, राणा रण कौशल दिखा दिखा, चढ़ गया उतर कर घोड़े से, छण भीतल हलचल मचा मचा, राणा कर की तलवार बढ़ी, था शोर रक्त पीने का यह रण चंडी जीभ पसार बढ़ी, था शोर रक्त पीने का यह रण चंडी जीभ पसार बढ़ी। क्या बात है, निसंदेह एक शब्द चित्र, हम हल्दी घाटी का युद्ध तो नहीं देख रहे हैं बच्चों, लेकिन इस शब्द चित्र के माध्यम से मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मैं सारा युद्ध भूमि का, ये सब कुछ मैं स्वयं अपनी आंखों से देख रही हूं। यही कौशल है कवि का, यही है उनकी लेखनी का, कि उन्होंने ऐसा शब्द चित्र बनाया है कि ऐसी अनुभूति हो रही है जैसे हम और आप युद्ध भूमि में ही हैं और इन दृश्यों को हम देख रहे हैं। देखें अगली पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं, राणा प्रताप का ही कौशल बता रहे हैं बार बार कि वो किस तरह लड़ रहे हैं। छण मार दिया कर कोड़े से, रण किया उतर कर घोड़े से, कि वो समय का इतना छोटा माप, छण कहा कि एक क्षण में वो हाथ के कोड़े से शत्रु सेना पर वार करते थे, रण किया उतर कर घोड़े से, क्षण भर में वो घोड़े से उतर कर लड़ने लगते थे, राणा रण कौशल दिखा दिखा, चढ़ गया उतर कर घोड़े। और रण कौशल वो ऐसा दिखा रहे थे कि क्षण भर में वो नीचे उतरते थे और फिर जाने कब वो घोड़े पर बैठ जाते थे। ये अद्भुत कौशल
आप यहां देखें कि स्फूर्ति की बात हो रही है, उत्साह की बात हो रही है, पराक्रम की बात हो रही है, क्योंकि यह संभव तभी है जब उत्साह हो, ओज हो, ऊर्जा हो। तो इन पंक्तियों में राणा प्रताप की ऊर्जा, उनका प्रताप, उनका उत्साह, उनका कौशल, उनकी दक्षता कि व्यंजना हो रही है कि क्षण भर में वो कोड़े से वार कर देते थे, तब तक उतरकर घोड़े से लड़ने लगते थे, फिर कुछ कौशल दिखाते थे और चढ़ गया उतरकर घोड़े से, और उतरे और तुरंत चढ़ भी गए। लोगों को जैसे एहसास न हुआ कि कब इतना सब हुआ, और वो कौशल था। क्षण भीषण हलचल मचा मचा राणा कर की तलवार थी, और उनकी जो तलवार है वो शत्रु सेना के बीच ऐसा हलचल मचाती है, ऐसा रक्तपात होता है कि वो तलवार बढ़ती जाती है तो कैसी लग रही है, था शोर रक्त पीने का यह रणचंडी जीभ पसार, कि वो तलवार तो रक्त पीना चाह रही है, वो शत्रु सेना का विनाश चाहती है, उनका खंडन चाहती है, उनका सिरोच्छेदन करना चाहती है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि स्वयं रणचंडी जो है वो युद्ध भूमि में आ गई है, और वो तलवार ऐसी लग रही है मानो वो स्वयं अपना जीभ पसार कर आगे बढ़ रही हूं। किस लिए? रक्त पीने के लिए। यहां दुर्गा जी की भी बात कर दी गई, चंडी की बात कर दी गई, जो रक्तपात, जो भीषण रक्तपात होता है उसको देखकर कवि कहते हैं, एक बार और देखें, क्षण भीषण हलचल मचा मचा राणा कर की तलवार उड़ी, कि उनकी तलवार यूं ही आगे नहीं बढ़ रही, वो हलचल मचाते हुए शत्रु सेना के बीच में घुसते जाते हैं। उस वक्त उनकी जो तलवार है वो ऐसी लग रही है जैसे वो रक्त पीने की इच्छा से चंडी स्वयं वहां आ गई हो, ऐसा महसूस हो रहा है कि वो तलवार नहीं है, वो दुर्गा की, चंडी की जीभ है काली की, जो स्वयं आगे बढ़ी है रक्त को पीने के लिए। अद्भुत सौंदर्य है, अद्भुत वर्णन है। बच्चों, आज तो हमने इन पंक्तियों के माध्यम से जान भी लिया कि क्या कौशल रहा होगा। आइए एक आवश्यक पड़ाव काव्यगत सौंदर्य की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या था इन पंक्तियों में विशेष। राणा प्रताप की वीरता का अद्भुत वर्णन हुआ है, निसंदेह बच्चों इस अद्भुत वर्णन को हमने और आपने महसूस किया। रस जो है वो वीर है, छंद मुक्त तुकांत है, शैली ओजपूर्ण है, जो इन पंक्तियों से हमने और आपने महसूस किया स्वयं में। अलंकार अतिशयोक्ति उत्प्रेक्षा, भाव साम्य, भाव साम्य आप जानते हैं बच्चों, जहां ऐसे ही भावों की समानता मिलती है उन पंक्तियों को हम भाव साम्य के लिए लेंगे। इन्हीं भावों को लेकर और भी पंक्तियां लिखी गई हैं, जिनमें से उदाहरण के तौर पे कुछ पंक्तियां एक आप देख लें कि क्या है। भाव साम्य का मतलब होता है जिन भावों की समानता हो, ऐसे ही कौशल का वर्णन किसी और भी कवि ने किया है। भाव साम्य में देखें, अशेष रक्त तोल दो, स्वतंत्रता का मूल दो, कड़ी युगों की खोल दो, डरो नहीं मरो नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। अद्भुत भाव है। तो यही भाव जो अभी आपने पंक्तियों में पढ़ा वो भाव साम्य की इन पंक्तियों में। आइए बच्चों अब अपने अभीष्ट की तरफ चलते हैं, शेष अंश हम और आप अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो आज के लिए आपके लिए इतना ही कि आप घर पर उन पंक्तियों को पढ़ें, दोहराएं, पूरे स्वर में एक बार एक लय में जान लें कि कैसा है वो ओज आप महसूस करें। संप्राप्ति, हमने और आपने आज क्या पाया? निसंदेह बच्चों आज हमने और आपने अपने गौरवशाली इतिहास को जाना, राणा प्रताप की शूर वीरता से, उनके अद्भुत पराक्रम से हम परिचित हुए, और हम इससे भी परिचित हुए कि कवि की लेखनी की जितनी बातें कही जाती थीं वो वस्तुतः यथार्थ हैं। हमने वो शब्द चित्र आज देख लिया जो कवि की पैनी लेखनी से बनी हुई थी। धन्यवाद।